Hello students, welcome to the e-learning class of MABN. Today in class 4 science, we will going to study our next and last chapter of term 2, that is chapter 12, Earth's neighbors. बच्चों इस चैप्टर में हम पृथ्वी के पड़ोसियों के बारे में अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं. In this chapter we shall learn about number 1, the sky. Sky के बारे में पढ़ेंगे, the sun, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, the planets, ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, the earth, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, stars, तारों के बारे में पढ़ेंगे, the solar system, हमारा जो सौर मंडल है उसके बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम सैटेलाइट्स यानी उपग्रह के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आपके स्क्रीन बोर्ड पे चैप्टर चलता रहेगा और वॉइस हमारी रहेगी. आप अपने सामने बुक ओपन करके रखिए और चैप्टर को समझने का प्रयास करिए. चैप्टर 12, अर्थ्स नेबर्स, द स्काई. बच्चों हम सबसे पहले स्काई के बारे में पढ़ेंगे. कम आउट इन द ओपन एंड लुक अपवर्ड्स. इट विल सीन टू यू दैट अ वाइट शीट इज स्प्रेड अक्रॉस ऑल डायरेक्शंस. दिस इज द स्काई. द स्काई इज अ वैकेंट स्पेस. इट हैज़ नो लिमिट्स. यू कैन टच द स्काई. खुले में आप बाहर आएं और ऊपर की ओर देखिए. यहाँ आपको दिखाई देगा कि एक बहुत ही विस्तृत परत जो है वो सभी दिशाओं में फैली हुई है. ये क्या है? यह आकाश है. आकाश एक रिक्त स्थान है. वैकेंट का मतलब होता है खाली. और इसकी कोई सीमा नहीं है. आप आकाश को नहीं छू सकते हैं. ठीक है. द स्काई सीम्स टू हैव डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट टाइम्स. जो स्काई होती है, जो आकाश होता है, वो अलग अलग समय पर अलग अलग रंग का होता है. समटाइम्स इट लुक्स ब्लू, समटाइम्स ब्लैक एंड समटाइम्स रेड. कभी कभी नीला दिखता है, कभी काला और कभी लाल दिखने लगता है. वॉट कॉजेज द स्काई टू अपीयर इन डिफरेंट कलर्स. विभिन्न रंगों में आकाश दिखाई देने का क्या कारण हो सकता है? ठीक, ये आकाश हमें विभिन्न रंगों में क्यों दिखाई देता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? यू नो देयर आर मेनी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, स्मोक एंड वाटर वेपर इन द एयर. आप जानते हैं कि हवा में बहुत ही छोटे छोटे धूल के कण, ठीक, वाटर वेपर, ये सब जो हैं वो हमारे एयर में हैं. ठीक है. When sunlight enters the atmosphere, it strikes these particles and gets scattered. जब सूर्य की रोशनी वातावरण में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो यह इन कणों से टकराती है और फिर बिखर जाती है. Because of this, the sky looks blue. इस वजह से आसमान हमें नीला दिखता है. At night the sky appears black due to the absence of sunlight. रात में सूरज की रोशनी नहीं रहती, यानी रोशनी का अभाव रहता है, तो रोशनी के अभाव के कारण हमें आसमान काला दिखाई देता है. The region above the earth's atmosphere is called space. पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर के क्षेत्र को हम स्पेस यानी अंतरिक्ष कहते हैं. स्पेस हैज़ नाइदर अ कलर नॉर एनी बॉर्डर. अंतरिक्ष में ना तो कोई रंग है और ना ही कोई सीमा है. देयर आर काउंटलेस सेलेस्टियल बॉडीज इन स्पेस. अंतरिक्ष में अनगिनत, जिनको कि हम गिनती नहीं कर सकते, इतने खगोलीय पिंड हैं. द सन, द मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड द अर्थ आर ऑल लोकेटेड इन स्पेस. सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह और पृथ्वी सभी अंतरिक्ष में स्थित हैं. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ दीज बॉडी.
आइए हम इनमें से कुछ निकायों के बारे में पढ़ें। स्टार्स, अब बच्चों हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव सीन नंबरलेस ट्विंकलिंग स्पेक्स ऑफ लाइट इन द नाइट स्काई। आपने रात्रि के आकाश में प्रकाश की संख्याहीन टिमटिमाते स्पेक्स, मतलब चश्मा होता है, तो यहाँ पे स्टार्स की तुलना चश्मे से की गई है। टिमटिमाते चश्मे आपने देखे होंगे, वे क्या हैं? वे स्टार्स हैं, दे आर स्टार्स, वे तारे हैं। स्टार्स आर वेरी ह्यूज इन स्काई, तारे आकार में जो होते हैं वो बहुत ही विशाल यानी बड़े होते हैं। दे आर मच बिगर देन द अर्थ, वे पृथ्वी से बहुत बड़े हैं। दे लुक टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, वे छोटे दिखते हैं। क्यों छोटे दिखते हैं? क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। अब बच्चों हम पेज नंबर 102 पर आते हैं। ऑल स्टार्स आर बॉल्स ऑफ बर्निंग गैस, सभी तारे जलते हुए गैस के गोले हैं। दे आर वेरी हॉट एंड दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन, वे बहुत गर्म हैं और उनके पास खुद की रोशनी है। स्टार्स शाइन फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, लाखों वर्षों तक सितारे जो हैं वो चमकते हैं। सम स्टार्स अपीयर टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप एंड फॉर्म अ पैटर्न, कुछ सितारे समूह का हिस्सा बनते हैं और एक पूरा पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न मतलब एक क्रम बनाते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ शेप इज कॉल्ड अ कॉन्सिलेशन, आकार बनाने वाले तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? हम कॉन्सिलेशन यानी एक नक्षत्र कहते हैं। उर्सा मेजर एंड ओरियन आर द बेस्ट नोन कॉन्सिलेशंस, उर्सा मेजर और ओरियन जो हैं वो सबसे अच्छे नक्षत्र कहे जाते हैं। स्टार्स इन स्पेस आर फाउंड इन ह्यूज क्लस्टर्स, अंतरिक्ष में तारे जो हैं वो विशाल गुच्छों में पाए जाते हैं। वन सच क्लस्टर इज नोन एज अ गैलेक्सी, ऐसे ही एक क्लस्टर को हम आकाशगंगा के रूप में जानते हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन स्पेस, अंतरिक्ष में अरबों आकाशगंगाएं हैं। द स्मॉलेस्ट गैलेक्सी कंटेन्स अबाउट 1,00,000 स्टार्स, वाइल द लार्ज वन मे कंटेन अप टू 3,000,000,000,000 स्टार्स। आवर अर्थ इज पार्ट ऑफ ए गैलेक्सी नोन एज द मिल्की वे, द मिल्की वे इज अ स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी। सबसे छोटी आकाशगंगा में लगभग 1,00,000 तारे हैं, जबकि सबसे बड़ी आकाशगंगा में 3,000,000,000,000 तारे हो सकते हैं। ठीक, आवर अर्थ इज पार्ट ऑफ ए गैलेक्सी नोन एज द मिल्की वे, हमारी पृथ्वी आकाशगंगा का एक हिस्सा है जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। द मिल्की वे इज अ स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी, जो मिल्की वे है वो एक सर्पिल आकार की आकाशगंगा है। अब बच्चों हम आते हैं सन को, सूर्य के बारे में अब हम पढ़ेंगे। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, सूर्य भी एक तारा है या पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। दैट इज़ वाई इट लुक्स मच बिगर दैन अदर स्टार्स, यही कारण है कि यह अन्य सितारों की तुलना में बहुत बड़ा दिखता है। द सन इज एज बिग एज 13,00,000 अर्थ्स पुट टुगेदर, सूर्य उतना ही बड़ा है जितना 13,00,000 पृथ्वी एक साथ है। द सन इज अबाउट 150,000,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, सूर्य पृथ्वी से लगभग 150,000,000 किलोमीटर दूर है। द सन्स रेज टेक अबाउट 8 मिनट्स टू रीच अस, सूर्य की किरणों को हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द एज ऑफ द सन एज अबाउट 45,000,000,000 ईयर्स, वैज्ञानिकों ने सूर्य की आयु लगभग 45,000,000,000 वर्ष आंकी है। द सोलर सिस्टम, अब बच्चों हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम,
सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, ठीक। देयर आर 8 प्लैनेट्स विच गो राउंड इट। 8 ग्रह हैं जो इसे गोल करते हैं। देयर आर सम नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ दीज प्लैनेट्स। इन ग्रहों के कुछ प्राकृतिक उपग्रह भी हैं। सो द सन, इट्स प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स एंड सम अदर बॉडीज फॉर्म द सिस्टम। तो सूर्य, उसके ग्रह, उनके उपग्रह और सिस्टम से कुछ अन्य निकाय बनते हैं। द प्लैनेट्स। अ प्लैनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। एक ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो एक निश्चित पथ में सूर्य की परिक्रमा करता है, जिसे कक्षा कहा जाता है। अ प्लैनेट ऑल्सो स्पिन्स और रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। एक ग्रह अपनी धुरी पर घूमता या चक्कर लगाता है। द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स डू नॉट क्रॉस वन अनदर। ग्रहों की परिक्रमा एक दूसरे को पार नहीं करती हैं। देयरफॉर द प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर। इसलिए ग्रह आपस में नहीं टकराते। द प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन एंड दस बिकम विजिबल। वे सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं और इस प्रकार वे हमें दिखाई देते हैं। द अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट। पृथ्वी भी एक ग्रह है। बिसाइड्स द अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। पृथ्वी के अलावा सौर मंडल में 7 अन्य ग्रह हैं। लेट अस रीड अबाउट ईच ऑफ देम। आइए हम उनमें से प्रत्येक के बारे में अब पढ़ते हैं। बच्चों, अब हम पेज नंबर 103 पर आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरकरी के बारे में, जिसको कि हम हिंदी में बुध कहते हैं। इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इट इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट एंड द स्विफ्टेस्ट प्लैनेट। यह सबसे छोटा और सबसे वजनी ग्रह भी है। इट कम्प्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन जस्ट 88 डेज। यह सिर्फ 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। यह दिन के दौरान बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा होता है। अब बच्चों, हम आते हैं वीनस, जिसको कि हम हिंदी में शुक्र कहते हैं। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। यह सबसे चमकीला ग्रह है। इट इज़ ऑल्सो द हॉटेस्ट प्लैनेट। यह सबसे गर्म ग्रह भी है। वीनस इज लाइक द अर्थ इन साइज एंड मास। शुक्र आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी की तरह है। वीनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार वेन इट अपीयर्स इन द ईस्ट एट डॉन एंड द इवनिंग स्टार वेन इट अपीयर्स इन द वेस्ट एट डस्क। शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है जब यह भोर में पूर्व में दिखाई देता है और शाम को पश्चिम में दिखाई देता है। अब बच्चों, हम आते हैं अर्थ यानी पृथ्वी पर। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। यह पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट एज ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट्स सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। इसे ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट एज इट इज़ द ओनली नोन प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, क्योंकि यह एक मात्र ज्ञात ग्रह है जो जीवन का समर्थन करता है, जिस पे जीवन संभव है। मार्स। अब बच्चों, हम आते हैं मंगल के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट। इसे लाल ग्रह कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स आयरन रिच रेड सॉइल, क्योंकि इसकी लौह युक्त लाल मिट्टी जो है, उसी के कारण इसका नाम पड़ा है लाल ग्रह। इट हैज़ अ थिन एटमॉस्फियर 95% ऑफ विच कंटेन्स ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। इसका पतला वातावरण है। 95% में केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब बच्चों, हम आते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति के बारे में पढ़ेंगे।
इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इट्स मास इज मोर देन द कम्बाइंड मास ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स। इसका द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान से अधिक है। इट इज़ ऑल्सो द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट एंड कम्प्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 10 आवर्स। यह सबसे तेज घूमने वाला ग्रह भी है और अपनी धुरी पर 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब बच्चों हम आते हैं सैटर्न यानी शनि ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लैनेट एज इट हैज़ स्पेक्टेकुलर रिंग्स अराउंड इट। यह सबसे खूबसूरत ग्रह है क्योंकि इसके चारों ओर शानदार छल्ले हैं। दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ आइस रॉक्स एंड डस्ट। ये छल्ले बर्फ, चट्टानों और धूल से मिलकर बने हैं। अब बच्चों हम आते हैं यूरेनस, यूरेनस के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ 4 times द साइज ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी के आकार का 4 गुना है। अनलाइक ऑल द अदर प्लैनेट्स, यूरेनस स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। अन्य सभी ग्रहों के विपरीत यूरेनस अपनी तरफ घूमता है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट एंड कॉल्ड द आइस जाइंट। यह एक अत्यंत ठंडा ग्रह है और इसे बर्फ का विशालकाय कहा जाता है। यूरेनस ऑल्सो हैज़ रिंग्स, यूरेनस के भी छल्ले होते हैं। अब बच्चों हम आते हैं नेपच्यून, नेपच्यून के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ वन ऑफ द 4 gas giants, यह 4 gas diggajos में से एक है। लाइक जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इट इज़ कंपोज्ड ओनली ऑफ गैस। बृहस्पति, शनि और यूरेनस की तरह यह केवल गैस का ही है। बीइंग द फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट टेक्स नेपच्यून 165 Earth years टू ऑर्बिट द सन। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह होने के कारण यह नेपच्यून 165 पृथ्वी वर्ष सूर्य की परिक्रमा करने में लेता है। इन अदर वर्ड्स, 1 Neptune year इज इक्वल टू 165 Earth years। दूसरे शब्दों में 1 Neptune वर्ष 165 पृथ्वी वर्षों के बराबर है। अब बच्चों हम आते हैं पेज नंबर 104 पर। मोर टू नो, वीनस टेक्स 243 days टू मेक 1 rotation। बच्चों जो वीनस होता है, जो शुक्र होता है, वो 1 rotation लेने में कितना समय लेता है? वो 243 दिन का समय लेता है। अ ईयर ऑन वीनस इज 224 days एंड जुपिटर ईयर्स इज 4,331 days लॉन्ग। वीनस पर आयु 224 दिन और बृहस्पति वर्ष 4,331 दिन लंबा है। अब बच्चों आते हैं क्विज टाइम पर। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार? तो बच्चों हम मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? तो अभी हमने आपको बताया था कि हम मॉर्निंग स्टार वीनस यानी शुक्र को कहते हैं। अब बच्चों हम आते हैं सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल सैटेलाइट्स आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। प्राकृतिक उपग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो नियत कक्षाओं में ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। लाइक द प्लैनेट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स ऑल्सो डू नॉट हैव द लाइट ऑफ देयर ओन। ग्रहों की तरह प्राकृतिक उपग्रहों के पास भी अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ऑल अदर प्लैनेट्स एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस ऑल्सो हैव देयर ओन सैटेलाइट्स। सभी अन्य ग्रह सिर्फ मरकरी और वीनस को छोड़कर सभी के पास अपनी क्या है? अपनी सैटेलाइट यानी अपना उपग्रह है। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ ईच प्लैनेट सो फार। जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने खोज की है कि
कौन से ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? तो नीचे देखिए, मरकरी के पास कोई भी नहीं है, जीरो। वीनस के पास भी जीरो। अर्थ के पास एक उपग्रह है। मार्स के पास दो हैं। जुपिटर के पास 67 यानी 67 हैं। सैटर्न के पास 62 हैं और यूरेनस के पास 27, नेपच्यून के पास 14। अब बच्चों हम आते हैं द मून, मून के बारे में पढ़ेंगे। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। इट इज़ अराउंड 384,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमसे 384,000 किलोमीटर दूर है। द सर्फेस ऑफ द मून इज़ रफ एंड अनइवन। चंद्रमा की सतह खुरदुरी और असमान है। इट कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स, वैलीज, ओल्ड वॉल्केनो साइट्स एंड मिनी बाउल लाइक होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। इसमें पहाड़, घाटियाँ, पुराने ज्वालामुखी स्थल और कई कटोरे जैसे छेद हैं जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है। द मून टेक्स अबाउट द सेम टाइम फॉर वन कम्प्लीट रोटेशन एज इट टेक्स टू ऑर्बिट द अर्थ। चंद्रमा को एक पूरी परिक्रमा के लिए लगभग उतना ही समय लगता है जब वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। बिकॉज ऑफ दिस ओनली वन साइड ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ एट ऑल द टाइम। इस वजह से चंद्रमा का केवल एक पक्ष हर समय पृथ्वी से देखा जा सकता है। द साइड ऑफ द मून दैट फेसेस द अर्थ इज कॉल्ड द नियर साइड एंड द अपोजिट साइड द फार साइड। चंद्रमा का वह पक्ष जो पृथ्वी का सामना करता है वह निकट पक्ष कहलाता है और दूसरा विपरीत पक्ष जो दूर का सामना करता है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश को दर्शाता है। डिपेंड्स हाउ मच ऑफ इट्स नियर साइट इज इन सनलाइट। निर्भर करता है कि कितना पार्ट जो है वो सनलाइट के कितना करीब है, यानी सूर्य के प्रकाश के कितने करीब है। अब बच्चों हम आते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पर, जिसको कि हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। सैटेलाइट्स लॉन्च मेनी आर्टिफिशियल और मैन मेड सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। वैज्ञानिकों ने कई कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। दे आर प्लेस्ड इन द ऑर्बिट बाय पावरफुल रॉकेट्स कॉल्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स SLVs। उन्हें उपग्रह प्रक्षेपण यान नामक शक्तिशाली रॉकेट द्वारा कक्षा में रखा जाता है। अब बच्चों हम आते हैं पेज नंबर 105 पर। दीज सैटेलाइट्स कंटेन इंस्ट्रूमेंट्स दैट हेल्प अस टू फाइंड मोर अबाउट स्पेस एंड सेलेस्टियल बॉडीज। इन उपग्रहों में ऐसे उपकरण हैं जो अंतरिक्ष और आकाशीय पिंडों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑल्सो यूज फॉर फॉरकास्टिंग वेदर, टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड फॉर मेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स पॉसिबल। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग पूर्वानुमान मौसम, टेलीविजन और रेडियो प्रसारण के लिए और लंबी दूरी की टेलीफोन कॉल को संभव बनाने के लिए किया जाता है। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट इन 1975। भारत ने 1975 में अपना पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। सम अदर इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया आर रोहिणी, एप्पल, भास्करा एंड इनसैट सीरीज। भारत के कुछ अन्य ज़रूरी उपग्रह भी हैं जैसे कि रोहिणी, ठीक, एप्पल, भास्कर, इनसैट, ये सब, ठीक है। मोर टू नो, स्पुटनिक आई वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू गो इन टू स्पेस। स्पुटनिक जो है वो कह रही है कि मैं
सबसे पहली सैटेलाइट थी जो स्पेस में गई थी. इट वॉज लॉन्च्ड बाय USSR. इसको USSR ने लॉन्च किया था. अब बच्चों हम आते हैं द अर्थ. अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. द अर्थ इज़ अ ब्यूटिफुल प्लानेट. पृथ्वी एक खूबसूरत ग्रह है. इट हैज़ लैंड एंड वाटर, माउंटेन्स एंड वैलीज, हिल्स एंड प्लेन्स. इसमें ज़मीन और पानी, पहाड़ और घाटियाँ, पहाड़ियाँ और मैदान हैं. बट इट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस. लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं रहा है. इन द बिगनिंग द अर्थ वॉज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस. शुरुआत में पृथ्वी गैसों की एक विशाल गेंद थी. ग्रेजुअली इट कूल्ड. एज इट कूल्ड इट ऑल्सो बिकेम हार्ड एंड रिंकल्ड फोल्ड्स स्टार्टेड अपियरिंग ऑन इट्स अपर सरफेस. धीरे धीरे यह ठंडा हो गया. जैसे जैसे यह ठंडा होता गया यह भी कठोर और इसकी ऊपरी सतह पर झुर्रियाँ पड़ने लगी. दीज फोल्ड्स वर लेटर कॉल्ड हिल्स एंड माउंटेन रेंजेस. इन तहों को बाद में पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता था. रेन वाटर स्टार्टेड कलेक्टिंग इन इट्स डीप लोअर एरियाज. वर्षा जल अपने निचले क्षेत्रों में एकत्रित होने लगा. दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस, सीज, लेक्स एटसेट्रा. इन दिस मैनर द प्रेजेंट अर्थ हैज़ इवॉल्व्ड. इससे महासागरों, समुद्रों, झीलों आदि का निर्माण हुआ. इस तरीके से वर्तमान पृथ्वी विकसित हुई है. स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. पृथ्वी की संरचना के बारे में अब हम पढ़ेंगे. द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री डिस्टिंक्ट लेयर्स. पृथ्वी की संरचना को तीन अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है. द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट. सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, लैंड, माउंटेन्स एटसेट्रा. इसमें जल, थल, पर्वत आदि शामिल हैं. बिलो द क्रस्ट इज द मैंटल. इट मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स. क्रस्ट के नीचे मेंटल है. यह चट्टानों और धातुओं से बना है. द इनर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड द कोर. इट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, द सॉलिड इनर कोर, द सॉलिड इनर कोर एंड द लिक्विड आउटर कोर मेड ऑफ मोल्टेन मेटल्स. सबसे अंदर भाग को कोर कहा जाता है. इसे आगे दो भागों में विभाजित किया गया है. ठोस आंतरिक कोर और तरल बाहरी कोर जो पिघली हुई धातुओं से बना होता है. मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. पृथ्वी की गतिविधियों के बारे में हम पढ़ेंगे. द अर्थ शोज टू डिफरेंट मूवमेंट्स. पृथ्वी दो अलग अलग गतिविधियों को दिखाती है. इट स्पिन्स और रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप. यह शीर्ष की तरह अपनी धुरी पर घूमती है, लट्टू के तरीके. ठीक, टॉप मतलब लट्टू. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन. इसे रोटेशन कहा जाता है. द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन इज 24 आवर्स और वन डे. पृथ्वी द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय 24 घंटे या एक दिन कहलाता है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. पृथ्वी का घूमना दिन और रात का कारण बनता है. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है एक निश्चित कक्षा में. इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? रिवॉल्यूशन कहा जाता है. द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज 365 1/4 days और 1 solar year. पृथ्वी द्वारा एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में लगने वाला समय जो कि 365 1/4 days हैं, इनको 1 सौर वर्ष बोलते हैं. द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अलॉन्ग विद इट्स टिल्ट आर द कॉजेज ऑफ द चेंज इन सीजन्स. पृथ्वी का अपने झुकाव के साथ
रिवॉल्यूशन करना मौसमों में परिवर्तन का कारण है। बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप इसे ध्यान से समझिएगा और बुक के पीछे की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा।